Hello guys, welcome to the new vlog. My name is Ashdeep and you are watching us vlogs. और आज हमारा last day है Phuket में और आज हम बस होटल से अभी मैं चेकआउट करके सिर्फ रेस्टोरेंट में आया क्योंकि व्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा गलती जल्दी में था वहाँ पे, तो होटल से हमने चेकआउट कर दिया है, वहाँ पे बैग्स ड्रॉप कर दिए हैं वहीं पे ही है होटल पे ही, और अब आए हैं यहाँ पे अरेबियन बाइक्स में। यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमारे पास हैं आलू के पराठे, मगर लेट्स हैव दैट, ट्राई करके देखते हैं। काफ़ी महंगे हैं, 109 बाट का एक है, तो चलो ट्राई करने में क्या जाता है, चलो हम वो करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे, आज हमारा ये मेन पॉइंट है, हमने प्रॉपरली पतोंग बीच, पतोंग की मार्केट, ये फुकेट में जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो सारा घूमना, और कल रात को हमने मसाज भी कराई है और बड़ा मज़ा आया था करवा के। एक घंटे की मसाज की उन्होंने, बड़ी अच्छी प्रोफेशनल तरीके से की उन्होंने, मज़ा आया। एंड अब हम बैठे हैं, बस परौंठे आएंगे, परौंठे खाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे। आज रात को हमारी फ़्लाइट है, अराउंड 11:30 रात की फ़्लाइट है, और ऊपर जाके भी ना काफ़ी डिस्टर्बिंग होने वाला है क्योंकि एयरपोर्ट पे मैं ऑलमोस्ट 6-7 घंटे वहाँ पे भी बैठना पड़ेगा, या हम एयर वहाँ पे होटल पे चले जाएंगे पर होटल में उन्होंने चेक इन नहीं करने देना जैसे यहाँ पे हुआ था सेम, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम जो टिकट्स करवाई थी वो मैंने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने के लिए गई थी, बट अब मेरे को फील हो रहा है कि जैसे इन्वेस्ट की जगह उतना टाइम मैंने इन्वेस्ट किया उतना ज़्यादा मेरा ख़राब भी हो रहा है वहाँ पर। चलो एनी वेज एवरीथिंग इज़ फाइन क्योंकि हमारे पास दिन भी थोड़े थे, हमें ज़्यादा टाइम भी एक्सप्लोर करना था तो उसके कारण ये था, बाकी देख लेंगे कि नहीं तो पतोंग भी वहाँ पे फुकेट पे जाके हम सॉरी पटाया में जाके, पटाया के जो बीच है वहाँ पे हम स्पेंड कर लेंगे टाइम, पटाया की मार्केट में चले जाएंगे रात को ही। एंड उसके बाद अब हमने कुछ खास नहीं, अब हम सिर्फ परौंठे की वेट कर रहे हैं, परौंठा खाएँगे क्योंकि बाहर ही इन्होंने ना बड़ा अच्छा एक आइडिया लाया हुआ है, वो ये है कि इंडियंस को बाहर रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा किया हुआ है कि इंडियंस को इन्वाइट करो यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम थाईलैंड में बैंकॉक में इंडियंस ही आते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो आ जाओ भाजी लाइक जैन एक बुलाते हो सारे, तो वधिया भी लगता, चलो आ गए हम देखते हैं कि कहते हैं, पहला दूजे मुसलमान को चाहिए से यार क्यों इतने आए, देखते हैं कि बनता है। उस तो बाद चलो मिल जाए तुम परौंठे के नाम, सो फाइनली गाइज अब हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और मैंने अपनी ड्रिंक ले ली फिर 7-Eleven से जाके, यार वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मिल रही थी 50 बाट की और पास ही में 7-Eleven था, परौंठे खाए वहाँ से निकले, कोल्ड ड्रिंक इसने ली मिली 16 बाट की, मैंने ये ड्रिंक ली मिली 20 बाट की, और पैसे भी मेरे थोड़े लगे और वो भी कार्ड से पे गए। यहाँ पे कहते हैं कैश दो नहीं तो 3% 10% एक्स्ट्रा देंगे, वो बड़ा मुश्किल काम रहता है कि ये बार बार किसी को मतलब पैसे ज़्यादा दो, वही इंडिया वाला काम ही कि हाँ जी कार्ड के ट्रांजेक्शन फीसिस लगती है जो बैंक काटता है वो हमारे से चार्ज करते हैं, तो वही चीज़ है कि 3% ले रहे थे, फिर हमने वहाँ पे कैश दिया 7-Eleven से जाके, अपनी अपनी ड्रिंक्स उठा ली, तो हमने चार्ज भी कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया और पैसे भी बड़े कम लगाए। और अब हम जा रहे हैं यही पतोंग बीच पे, बीच पे जाके थोड़ी देर बैठेंगे, बैठने के बाद फिर थोड़ा इंजॉय वॉय करके वहाँ पर पानी वानी में घूम फिर के फिर आगे कहीं और का प्लान बनाएंगे, तो फिर वहाँ कहीं और चलेंगे। अभी हमने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट बड़ा ही टेस्टी था एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो उनमें कर सकता बट लाइक थाईलैंड में बैठ के इतने अच्छे परांठे मतलब ठीक थे, बहुत बढ़िया थे, और वो परांठे थोड़े महंगे थे, 140 बाट का एक था, मतलब इंडियन रुपीस में कोई अप्रॉक्स 350 एक परौंठा था, पर टेस्टी था, आलू का परौंठा टेस्टी था, दही भी दिया था, दही बड़ा अलग सा जैसे ना क्रीम नहीं होती, क्रीम टाइप दही था, बड़ा टेस्टी था वो भी, तो वो भी हमने खाया। चलो सब कुछ खाने के बाद डन हो गया, अब हम आएंगे तो और सीधा अब जाएंगे अब पतोंग बीच पे, पतोंग बीच के जाने के बाद कहीं और चलेंगे, अभी मैं आपको सीधा का व्यू दिखाता हूँ क्या। तो गाइस हम जा रहे हैं पतोंग बीच पे, बड़ा ही अच्छा माहौल है यहाँ पे, ਕਿਹੜਾ 3-4-5 ਉਹਦਾ ਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਤਾਰਾ ਵਾਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰਸ਼ ਘਟਾ ਤਾਂ ਲੇਟ ਆਇਆ ਸਿੱਧੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਲੇਟ ਅਸ਼ੇ ਤੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ
नाइस ब्रो, चंगी लैंडिंग कीती है यार। इनू की कहते भाजी? झिंगा। ए डिश बनती ना भाई कदी भी नहीं। ताकत तो हाडे च बथेरी है बंदे। क्या लगता अब हम वापस जा रहे हैं अपने एयरपोर्ट को। एयरपोर्ट पे आज हमारी फ्लाइट है, मैंने आपको पहले बताया था। तो एयरपोर्ट अब बस कैब बुलाई है, एंड आई विल प्रेफर कि जब भी आप कैब बुक करें तो आप इन ड्राइव पे करें। इन ड्राइव ज़्यादा बेटर है यहाँ पे फॉर दी फेयर नाउ। एंड उसके बाद हम जब होटल, जैसे हमने सुबह चेकअप कर दिया, तो उसके बाद हम फिर घूमते फिरते रहे। फिर घूमने के बाद फिर दोबारा होटल ही आ गए। कुछ खाना हमने टेक अवे करके होटल पे बैठ के खाते, नीचे रिसेप्शन पे बैठ के खाया, मतलब ठीक लगा। हमें कुछ था नहीं आज के, हम उनको पैसे बेफालतू के वेस्ट ही करते। हम देखे हमने वो चीज़ बचा के और उतना ही स्पेंड हमने खाने पीने पे कर दिया। इट्स फाइन मतलब। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं वापस एयरपोर्ट को। एयरपोर्ट और आज हमारी फ्लाइट है रात को 10:30 पूरे, 11:30 हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। एंड उसके बाद हमने फिर अपने होटल पर जाना है। आई गेस मैंने जैसा बुक किया था होटल, देखो जो ऑनलाइन दिख रहा था वो काफ़ी अच्छा होटल है। अब जाके देखते हैं कैसा होटल मिलता है और क्या फैसिलिटीज है। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अब वहाँ पे हम जाके क्या करेंगे। और जो ये इधर है वो हमारे पतोंग बीच है सारा, ऑन दी लेफ्ट साइड हमारे। एंड वहाँ पे जाके देखें, क्योंकि हमारी फ्लाइट 11:30 लैंड होनी है और जो चेक इन टाइम है वो इसी वाला टाइम है 2:00 का। एंड हाउ वी गोना मैनेज दैट, आई डोंट नो हाउ वी कैन डू दैट। हम जाके उनसे बात करेंगे, अगर वो अर्ली चेक इन दे दें तो मच बेटर, अगर नहीं दे पाएंगे तो वी हैव टू वेट ऑन द रिसेप्शन। तो फिर बैग वैग रख के फिर चले जाएंगे कहीं पे घूमने। चलो वो भी डे ऐसा स्पेंड होगा। अब ये सारा ये पतोंग बीच है इधर जितना भी है, एंड ईच एंड एवरी थिंग मतलब ऐसे ही। ये देखो पतोंग बीच लिखा भी आ रहा है, ये देखो। पतोंग बीच ऐसे है ना। एंड मोर ओवर यहाँ पे सारे ना अच्छे रूल्स फॉलो कर लेते हैं आराम से। मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे रूल्स फॉलो हो जाते हैं। और यहाँ पे यार जो सुपर बाइक्स एंड सुपर स्कूटर्स कह सकते हैं इनको, ये जैसे ये एक छोटा सा स्कूटर है देखने में लग रहा है, बट इट्स ऑलमोस्ट 300 cc इंजन विद दिस। एंड काफ़ी ये मिश्र ज़्यादातर यहाँ पे टोयोटा एंड होंडा की गाड़ी चलती है। जैसे अक्रॉड है, ये टोयोटा की है, ये भी टोयोटा की है। आगे टोयोटा हेलिक्स जा रही है, फिर टोयोटा, फिर जिस गाड़ी में हम भी जा रहे हैं वो भी टोयोटा। मैक्सिमम यहाँ पे टोयोटा है, उसके बाद होंडा आती है। तो आई गेस यहाँ पे टोयोटा को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग। सो गाइस अब हम एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं, ये हमारा सामान। और अब हम देख रहे हैं हमारी फ़्लाइट कहाँ से मिलेगी। तो पहले हमें उधर 3rd floor पे उतारा था ड्राइवर ने, तो लेडी ड्राइवर थी वो, उसने 3rd floor पे उतारा। अब उनसे पूछा एयरलाइन इन्फॉर्मेशन, तो उन्होंने बोला कि आपको यहाँ से नहीं, आपको दूसरे 2nd floor पे जाके दूसरी साइड पे मिलेगी। मैं कहा चलो ठीक है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो अब जाते हैं। हमें बस ये किया कि ये मैंने फूड लिया हुआ है अपने साथ, मेरे को खाना था, मेरे को भूख लग रही थी अभी नहीं लग रही, पहले लग रही थी। तो ये देखना है कि वो अंदर लेके जाने देते हैं चेक इन में कि नहीं लेके जाने। अगर वो तो ले जाएंगे तो फिर इट्स बेटर, अगर नहीं लेके जाने देंगे तो फिर हम लीव कर देंगे वहाँ पर, कोई बात नहीं। एक घंटे की फ़्लाइट है, 2 घंटे का रुक के जाना है यहाँ पर अभी, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है वो
वो हो रहा है कोई ऑलमोस्ट 7:49 हो रहे हैं अभी। हमारी जो फ्लाइट है वो 10 बजे की है, तो अभी टाइम है हमारे पास काफ़ी। तो अगर तो नहीं भी जाने देंगे तो हम थोड़ी देर रुक के बाहर ही खा के फिर अंदर जाएंगे। बस हमें ये है कि बोर्डिंग पास अभी लेना होगा क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलो अब चलते हैं, ये है हमारा सारा डोंगमुंग एयरपोर्ट। पूरी बीमारी का घर आया इस टाइम। देखी कितने नंबर गेट थे, वो ही अपनी नहीं है, नहीं है DD535 होना साढ़ा। ओ कितने नंबर थे, 56 58। चल आ जा। सो राइट नाउ वी आर इन दी एयरपोर्ट ऑफ फुकेट इंटरनेशनल। हमारा काउंटर नंबर है 54 55 56 57 58। तो हम उसके गेट पे जाके और अपने वो लेंगे चेक इन वाले वो बोर्डिंग पास लेंगे और फिर सीधा चले जाएंगे अंदर चेक इन के लिए। सो चलो मिलते हैं अब आपको आगे जाके। गाइस अब हम पहुंच गए हैं अपने एयरपोर्ट पे और अभी एयरपोर्ट के ये काउंटर्स नहीं खुले, आप देख सकते हैं। ये काउंटर्स खुलेंगे तो फिर हम आगे जाएंगे, मेरा पासपोर्ट और जो बोर्डिंग पास है वो ये देंगे, फिर हम आगे जाके देखेंगे। अभी हमें लगता है 15-20 मिनट या आधा घंटा और वेट करना होगा। सभी आने यहाँ पर वेट कर रहे हैं, तब से हमारे से पहले हम आए हुए हैं और वेट कर ही रहे हैं, तो हम भी उनके साथ ही वेट करेंगे। तो फिर हम जब तक वो नहीं आते तब तक आपको वेट। चलो मिलते हैं आपको अब आफ्टर चेक इन। जाओ वी हैव रीच द एयरपोर्ट। अब ये सारा काम हो गया, बोर्डिंग डन, चेकिंग डन। अब हम गेट के पास बैठे हैं, गेट नंबर 6 मिला हमें। एंड आई एम गोइंग टू हैव दिस फूड नाउ, क्योंकि सारा कुछ पास होगा। बट वो उन्होंने बोला कि आप खा लेना अगर बेटर है, क्योंकि मे बी फ्लाइट में वो मना कर दें। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ट्राइंग टू। ये बहुत तंग करती है, उसमें बैठे थे ना एयरपोर्ट पे वो डाउन टाउन में, बट फर्स्ट था। अब हम पहुंच गए हैं DMK एयरपोर्ट, डोंगमुंग एयरपोर्ट। अब यहाँ से हमने उठाने हैं अपने बैग्स जो हमने यहाँ पे दिए हुए थे लेफ्ट बैग पे, और उसके बाद हम जाएंगे बाहर जाके कोई टैक्सी देखेंगे और चलेंगे अपने होटल की तरफ। होटल पे जाके बाकी की बातें करेंगे, क्योंकि होटल पे जाके शायद वो हमें चेकिंग ना करने दें, क्योंकि चेकिंग 14 तारीख दोपहर की है और अब हम 14 तारीख की सुबह मतलब लगा लो अभी 11:30 ही हुए हैं, 11:30 भी कहाँ हुए हैं, हाँ 11:20 हुए हैं। तो इतनी जल्दी आएगा सुबह हमें चेकिंग करने नहीं देंगे। सो दैट्स वाई अभी देखना पड़ेगा वहाँ पर जाके क्या करेंगे। और ये है सारा DMK एयरपोर्ट का अराइवल पार्ट, और आगे जाके अब बैग्स लेते हैं अपने।